हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ और स्वागत करता हूँ सबका सिद्स के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे मार्कर यूज़ करने का। बाय डिफ़ॉल्ट तो कंप्यूटर के साथ कोई मार्कर टूल आता नहीं है, जो आता है वो आपका कर्सर ही होता है। तो मार्कर टूल यूज़ करके आप कुछ भी निशान या ड्रॉ करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना करें। तो आइए देखते हैं। एपिक पेन, ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है। ये फर्स्ट वाला वेबसाइट एपिक डैश पेन डॉट कॉम, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये लिंक, तो वो आप खोल दीजिए। ये देख सकते हैं ये साइट खुल चुकी है और यहाँ पे एक डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये आपके कंप्यूटर पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एपिक पेन सेटअप 3.0, और आप इसको सेव कर दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद रन, उसके बाद येस कर दीजिए इसको, और यहाँ पे आप नेक्स्ट मार दीजिए, फिर येस कर दीजिए इसको, और एक बार नेक्स्ट मार के, और यहाँ पे नेक्स्ट मारने से पहले एक ऑप्शन है क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, तो ये डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकॉन बना देगा। तो मेरे को ये चाहिए, तो मैं इस पर चेक कर दिया और नेक्स्ट मार दिया, फिर इंस्टॉल कर दिया। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, जैसे कि आप देख सकते हो 2-3 मिनट के अंदर ही ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि एपिक पेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुकी है और उसका एक शॉर्टकट आइकॉन मेरे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओपन हो चुका है, और सबसे पहले जो ये आई दिख रहा है, ये है उसका हाइड या शो बटन। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी ये पेन का इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा पोर्शन क्या काम करता है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला है आपका कर्सर आइकन। सेकंड वाला जो है, ये है आपका पेन आइकन। इस पर क्लिक करोगे तो आपको हाइलाइटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके नीचे है आपका इरेजर, जिसे आप क्लिक करके इसको इरेज कर सकते हो। उसके नीचे है आपका पेन का साइज, जो उसके बाद है आपका अंडू। अंडू मारोगे तो और लास्ट ड्रॉ किया हुआ आइटम वो धीरे धीरे इरेज करता जाएगा। और उसके नीचे है क्लियर स्क्रीन। जैसे कि आप देख लो, मैं यहाँ पे बहुत सारा ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको अगर एक एक करके डिलीट करने में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आप क्लियर स्क्रीन मार के डिलीट कर सकते हो पूरा। उसके नीचे है आपका टेक स्क्रीनशॉट, क्लिक करोगे तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा। उसके नीचे है मेनू, उस पर क्लिक करने से आपको अबाउट, हेल्प, सेटिंग या फिर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारा हॉट कीज मिलेंगे, जो कि शॉर्टकट कीज है। और मैंने ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं किया है, 4 कीज़ जो मेरे को काम में आता है उसको मैंने सेटिंग कर लिया है। फर्स्ट वाला है कर्सर, सेकंड वाला है पेंसिल, थर्ड वाला है अंडू, फोर्थ वाला है क्लियर स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो टगल विजिबिलिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल शिफ्ट 1 है, और उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल या फिर शिफ्ट की के साथ एक की दबाना पड़ेगा, जो उसको एलोकेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल W, तो ये कंट्रोल W सिलेक्ट कर लिया टॉगल विजिबिलिटी के लिए। तो ऐसे ही आप कुछ भी आपके सुविधा अनुसार कर सकते हो। उसके बाद आप उसके नीचे जो है वो है ऑप्शन आपका कलर के लिए, मतलब पेन का कलर के लिए, जो भी रिसेंट कलर आप किए हो वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा आप अगर पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर क्लिक करोगे तो ये सारा ऑप्शन आपको दे देगा कलर के लिए। जैसे कि मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया, तो अभी देखिए ये पेन ग्रीन में काम कर रहा है।
तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी वीडियो आपको आगे देखना है तो सिद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।